सुसार ब्लड डोनेशन कैंप की ओर से लगाया गया ब्लड डोनेट कैंप, जिसके अंदर सुसार के यूथ ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। सुसार के DSP जसबीर सिंह सैनी रहे मुख्य अतिथि और विशेष गेस्ट के रूप में पधारे कांग्रेस नेता राम निवास राणा। आओ दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। हरपाल सिंह दर्द एसवी न्यूज इंडिया से। जैसे कि आज हम पहुंचे हैं राजीव नगर हिसार में, यहां पर शोभा नेहरू ने मंदिर बनाया हुआ है। यहां पर यूथ ने इकट्ठे होकर ब्लड डोनेट कैंप लगवाया है और यहाँ पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए राम निवास राणा जी, किन्नर समाज से शोभा नेहरू जी और यहाँ पर DSP राजबीर सैनी जी भी पहुँचे हुए हैं। और हम पहले राणा साहब से बात करते हैं किस प्रकार वो बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये हमारा श्री श्याम बाबा मंडल जो है मंदिर है, और ये संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं ने जो आज रिलेशन जा खून रिलेशन जो है उनका कार्य किया है, और उसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे राजबीर DSP साहब बहुत ही आदरणीय है और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं। इनका मैं बहुत सम्मान से आदर व इनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, ये जो ब्लड डोनेट कैंप के लिए आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया है, क्या आपके साथियों ने भी यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है? अब शुरू हुआ है ये, अब और भी देने लग रहे हैं। आप देखो अंदर काफी लोग देने लग रहे हैं, इसमें मैं भी देख जाऊंगा। बिल्कुल, मैं पहले भी महावीर कॉलोनी में वहाँ पर मुख्य अतिथि था तो मैं देख गया था, और यहाँ भी मैं जो है मेरा खून भी देख जाऊंगा। ब्लड डोनेट करने से कभी किसी की जिंदगी में, किसी के कार्यकाल में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता, बल्कि और उत्साह बढ़ता है। और उत्साह बढ़ता है, खून चेंज होता रहता है, खून बढ़ता रहता है, तो इसके अंदर शरीर की फुर्ती भी आती है। ये सबसे बड़ी सेवा जो है खून की सेवा है। और हम यहाँ से बात करते हैं DSP साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेट करना कितना जायज है और कितना जरूरी है? जैसा आप जानते ही हैं कि भाई ब्लड डोनेट करना कितना जायज है और कितना जरूरी है, ये तो हमारे इंसान की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग ये जो किसी गरीब इंसान के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए ये एक अमृत के समान होता है, खून सबका लाल होता है, लेकिन इसको कोई इस बात के लिए समझे और दिल में हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति प्रेरणा और जिम्मेदारी समझे, तो वही ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही समाज के लिए उदार की बात है। और रहा आज सूर्य ग्रहण का दिन है और लोग नाना प्रकार के जो अच्छे धार्मिक लोग हैं हमारे हिंदू संस्कृति के मुताबिक बड़ी बड़ी चीज़ें दान करते हैं, कोई कपड़ा दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई धन दान करता है, लेकिन हमारे इन सभी युवाओं ने एक अच्छा जो ब्लड डोनेट कैंप लगा करके जो अपना ब्लड दान किया है सूर्य ग्रहण के दिन, एक ये बड़ा सराहनीय कार्य है। मैं इनको सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे जो सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट के लिए इनको प्रेरित किया है, और समय समय पर ये जो संगठन है ये ब्लड डोनेट के कैंप लगाता रहता है। मैं सभी डोनेट करताओं का और जो हमारी ये अच्छी टीम है इनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर, हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे ब्लड डोनेट करने के बारे में? मैं कहूँगा कि ये जो ब्लड है एक हमारे किसी असहाय और गरीब इंसान के लिए बड़ा अमृत तुल्य समान होता है, ये समय समय के अनुसार इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जैसे मैनुअल डॉक्टर मेडिकल मैनुअल के मुताबिक बंदा 65 तक ब्लड स्वस्थ जो इंसान है वो 65 तक ब्लड दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसके साथ साथ ही जो कोरोना के इस संकट की घड़ी में हमारे समाज को, हमारे सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो डिस्टेंसिंग का पालन करें, डिस्टेंस बनाए रखें, और बार बार जैसे मेडिकल बोर्ड की हमारी जो हिदायतें हैं COVID-19 के तहत, बार बार वो अपने हैंड वॉश करें
और मास्क का जरूर प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस बनाए रखें। ये हमारे समाज के लिए संदेश। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम बात करते हैं दादी शोभा नेहरू जी से, जो किन्नर समाज से हैं। नमस्कार जी। मैं किन्नर नहीं हूँ, मैं मंगल कार्यों में जाने वाले मंगलमुखी समाज के, मगर ब्रैकेट में किन्नर की एक पहचान दूंगी। मैं एक कहना चाहती हूँ। मैं अभी हमारी डीएसपी महोदय ये कह रहे थे, कोई कपड़ा दान करते, कोई अनाज दान करते, कोई पैसा दान करते। मेरा शहर निवासी हिसार की नौजवान बच्चे, मैं उनका तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ, रक्त दान करके लोगों का जान बचाने की कोशिश कर रहे। इसके अंदर हमारी रवि सैनी है और हमारे महेंद्र बावड़िया जी हैं, जितना भी हमारे बच्चे, देखो माफ़ करना बच्चे जितना बहुत सारे, जिन जिन का नाम जानती हूँ मैं उन उनका बोलूँगी, बच्चे नाराज ना होना। जितना मेरी शहर निवासियों का बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत करके लगन से ये ब्लड डोनेट, यानी अंग्रेजी हो गए ब्लड डोनेट, ये रक्तदान का शिविर लगा के बहुत बड़ा एक एहसान किया। मैं उन बच्चों को सवेरे शाम दिन दोगुनी रात चौगुनी देवे परमपिता परमेश्वर उनका दुख बीमार दूर करे। जो हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये कोरोना नाम की चीज़ जो फैल रही है, वो चीज़ दफा हो जा। ये सूर्य ग्रहण जो है कोरोना के अंदर, अभी इसी महीने के अंदर पहले 5 तारीख को चंद्र ग्रहण हुआ था, अब ये सूर्य ग्रहण आए तो थोड़ा सा विपत्ति आएगी। मैं शहर निवासियों को, जो भी इस न्यूज़ चैनल या एसवी चैनल देखने वालों को, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, मास्क पहन के बाजार जाइएगा, बार बार साबुन से हाथ धोजिएगा, जो भी चीज़ लिए तो उसकी सैनिटाइज करके अपना आराम से अपनी जीवन अपने हाथ में, इसमें परमपिता परमेश्वर का कोई दोष नहीं देना, ये दोष हमारे ऊपर ही रहेगा। कृपया हाथ जोड़ के नम्र निवेदन, मैं पूर्व पार्षद शोभा नेहरू मंगलमुखी समाज से सारा शहर निवासियों को, जो भी भाई ये चैनल देखेगा उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने अपने एहतियात बरतिएगा। और चाइना की माल में आखिरी में ये कि पॉलिटिक्स की बात नहीं है, चाइना का माल जितना तुम कम करोगे उसकी, हमारा चाइना का माल हिंदुस्तान में आने से वो ज़्यादा पैसे वाला हो गया। अगर उसका माल हिंदुस्तान में आना जाना बंद कर दिया तो अपना दुम दुबा के एक बिल में बैठे रहेगा। इसकी सारा प्रोजेक्ट हमारा हिंदुस्तान में आने से चाइना वालों को ज़्यादा घमंड हो गए। कृपया मेरी भारत निवासी हिंदुस्तानी वासियों से हाथ जोड़ के विनती है, मंगलमुखी समाज ब्रैकेट के नर शोभा नेहरू की तरफ से, जितना चाइना के प्रोजेक्ट हमारा हिंदुस्तान में आ रहे वो सारा बंद करो, अपने आप चुप हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ मंगलमुखी समाज से शोभा नेहरू जी। और हम अब बात करते हैं जो यहाँ पर समाज सेवी रक्तदान कैंप लगा रखा है उनके मुखी से। नमस्कार सर, सर बताएं जो आप ये ब्लड डोनेट कैंप लगवा रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है? सर जैसे कि आप हमारे बैनर के ऊपर देख पा रहे हैं, ये स्पेशल कैंप रखा गया हमने थैलीसीमिया के बच्चों के लिए। जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है आप सभी को पता है, तो इसके चलते हुए रक्तदान शिविर बंद कर दिए गए हैं। तो इस चीज़ को चलते हुए हमारे जो थैलीसीमिया के बच्चे हैं वो पीड़ित, जो थैलीसीमिया पीड़ित है उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए हमने स्पेशल ये कैंप लगाया है ताकि उनको टाइम टू टाइम हमें ब्लड मिल सके। सर कोरोना के दौरान अस्पताल हिसार से यहाँ पर कौन सी टीम आई है आपके पास? सर यहाँ पे हमारी जो सरकारी टीम है अग्रोवा मेडिकल की टीम है, वो टीम यहाँ पे उपस्थित है आज, जो रक्त इकट्ठा कर रही है। सर जो अब तक कितना ब्लड डोनेट हो चुका है? अभी तक सर यहाँ पे हमारे 25 से 30 यूनिट कलेक्ट हो चुका है, जो टारगेट हमारा आज है 50 से 60 यूनिट का। आपके यहाँ ब्लड डोनेट हो रहा है तो यहाँ पर आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कौन कौन पहुँचे हैं? उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे मुख्य तौर पर मुख्य अतिथि थे हमारे जो राजवीर सैनी जी डीएसपी हिसार है जो हमारे, और जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे वो थे श्री राम निवास राणा जी, जो यहाँ पे हमारे युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद रहे हैं। बिल्कुल, ये जैसे कि बता रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास राणा यहाँ से पहुँचे हैं, वहाँ डीएसपी राजवीर सिंह सैनी जी जो बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुँचे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं, बच्चे का ब्लड जो डोनर होता है उसका मैच किया जाता है, उसके बाद पहले फार्म भर के सैंपल लेने के उपरांत फिर उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं
यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास राणा, जो कि काफ़ी समय से लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइज की सेवा में लगे हुए थे, आज ब्लड डोनेट करने के लिए पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ। और पहले भी बताया जा रहा है कि काफ़ी बार ये ब्लड दे चुके हैं। और यहाँ पर कई ऐसे डोनर्स हैं जो पहले भी ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और कई नए डोनर भी आए हुए हैं जो पहली बार ब्लड देने के लिए पहुँचे हैं। नमस्कार राम नवर राणा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं ब्लड दे के आप? नहीं, कई बार दे चुका हूँ पहले भी मैं, अब भी आज भी हमारे आज सूर्य ग्रहण है, इसी उपस्थिति से हमने जो यहाँ है हम जो संस्थाएं है उसने ये कैंप लगाने का काम किया है, उसमें मैंने मुख्य अतिथि भी बुलाया गया था और हमारे DSP साहब भी आके मुख्य अतिथि थे, राजवीर सैनी जी। तो ये बार बार कैंप लगते रहते हैं, जहाँ कैंप में मैं मुख्य अतिथि होता हूँ वहाँ मैं ये खून का देने का काम जरूर करता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कार्य है ये। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ब्लड दिया जा रहा है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर जो यहाँ पर उनकी टीम लगी हुई है वो बता रहे हैं कि ब्लड का प्रेशर बढ़ाने के लिए पोल को दबाते रहें, गाइड कर रहे हैं साथ के साथ। सर अभी तक कितने ब्लड डोनेट हो चुके हैं? अभी तक 35 यूनिट्स हो चुके हैं टोटल। 35 यूनिट हो चुके हैं, और कितने यूनिट होने की उम्मीद है आज? 50 से 60 यूनिट हो जाएंगे। 50 से 60 यूनिट होने की उम्मीद है। यही है सर, 5 से 60 यूनिट करवाने का। हाँ जी, हमारा मतलब मिनिमम मैक्सिमम 50 से 60, ज्यादा नहीं, कोरोना के बदले डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के रखते हुए। यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, और साथ में जिस डोनर ने ब्लड दिया है उनको साथ के साथ लगते हाथ सर्टिफिकेट बना के दिया जा रहा है। सर एक बार सर्टिफिकेट दिखाएंगे? जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, रेड क्रॉस की टीम सर्टिफिकेट बनाकर दे रही है। हाँ जी, सर्टिफिकेट दे रहे हैं डोनर को, एक बैच दे रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं। बैच क्या है सर? बैच अपने ब्लड कैंप का बैच। ठीक है, बिल्कुल, जब डोनर ब्लड दे के आता है तो उसके आराम कर रहे हैं, यहाँ बनाया हुआ है और रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर उन्हें दी जा रही है। सर आप क्या क्या करवा रहे हैं? मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप? इधर हम रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, रोटी दे रहे हैं उनको, रिफ्रेशमेंट में केले दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं। ठीक है, किसी को मास्क की नीड है वो मास्क मिले। आपका सर नाम और परिचय? अतुल बागड़ी मेरा नाम है, श्री श्याम सेवा परिवार से, हमारे श्री श्याम सेवा परिवार के सभी सदस्य। श्याम सेवा मंडल यहाँ पर, श्याम सेवा परिवार आपके साथ सेवा में यहाँ पर लगा हुआ है। बिल्कुल, हम आप सुरेंद्र पांडे जी? हाँ जी, नाम श्री श्याम सेवा परिवार जी। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर अजय जी, सर आप कब से सेवा में लगे हुए हैं? एक साल से आप श्याम परिवार के साथ लगे हुए हैं। यूथ ब्लड डोनेशन की कार्यकर्मी की ओर से आए हुए अतिथियों का मान सम्मान करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट्स व स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए यूथ ब्लड डोनेट के प्रधान हमारे साथ और व्यक्ति जुड़ चुके हैं। नमस्कार बजाज साहब। नमस्कार सर, आपका क्या कहना है इस ब्लड डोनेट कैंप को लेकर? जिन लोगों ने ये रक्तदान किया है, एक तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप भी कई बार दे चुके हैं? मैं 49 बार दे चुका हूँ, आज मैं सर्टिफिकेट नहीं लाया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। रक्तदान देने से शरीर के अंदर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है वो उसी वक्त ठीक हो जाती है, और रक्त भी उसी टाइम पूरा हो जाता है। लोग ये सोचते हैं ना 3 महीने बाद पूरा होगा, उसी वक्त रक्त पूरा हो जाता है। एक व्यक्ति की सोच बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, शरीर में अगर कमी नहीं आती है, कुछ भी कमी नहीं आती, मैं कहता हूँ जो रक्तदान करते हैं ये भगवान किसी ना किसी रूप में इनके शरीर में प्रवेश करता है और ये रक्तदान करते हैं और दूसरे का जीवन बचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको।